माटी से बनी डोर के एपिसोड में हमें जया और बैजू के बीच के रिश्ते की जटिलता को और भी गहराई से समझने का मौका मिला है। जया ने जिस तरह से बैजू के सामने अपनी बातें रखी और सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जया ने जो भी कहा वो सच था या सिर्फ वो मौके का फायदा उठाना चाहती थी और अच्छा दिखना चाहती थी। जया ने कहा कि बैजू के पास खुद को साबित करने का ये मौका था, लेकिन क्या वाकई में बैजू ने इसे सही तरीके से लिया? जया ने अपनी चतुराई से सबको ये जताने की कोशिश की कि वो वैजू के हित में काम कर रही है, लेकिन क्या इसमें सच में कोई गहरी चाल छुपी हुई है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जया ने अपने शब्दों से वैजू को ये महसूस कराया कि वो उसे कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकती, लेकिन क्या ये जया की बेबसी का इशारा था या फिर इसके पीछे उसकी कोई और योजना छिपी है? जब जया ने ये कहा कि वैजू को कुछ नहीं मिलेगा, क्या उसने अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश की थी या फिर इसके पीछे कोई और गहरी चाल छिपी है? इसके अलावा जया का ये कहना है कि वैजू की मजबूरी के कारण उसने ये कदम उठाया एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या जया ने वाकई वैजू की मदद करने की कोशिश की या फिर उसने अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि क्या वैजू को जया पर भरोसा करना चाहिए? दर्शकों, आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि जया की योजना में कोई गहरी चाल छुपी हुई है या फिर वो सचमुच वैजू की भलाई चाहती है? और क्या वैजू को जया पर भरोसा करना चाहिए या फिर उसे सच्चाई का सामना करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर शेयर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।